एज और रिलेशन की लास्ट क्लास रहेगी। सबसे पहले हमने एवरेज बेस क्वेश्चन किए थे, उसके बाद रेशियो बेस क्वेश्चन किए थे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें ये देखेंगे कि डायरेक्ट हम ऑप्शन उठाकर कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 6 गुणे से 5 अधिक है और 7 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्री की आयु के 3 गुणे से 3 अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। पहले तो इसका सिद्धांतिक तरीका एक देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। यहां से जो आपको पूछा जाए, पिता की वर्तमान एज पूछी गई है, तो पिता की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं एक्स। अगर पिता की वर्तमान आयु एक्स है तो वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु के 6 गुणे से 5 अधिक है, ठीक है। तो यहां से अब इस केस में अगर मैं मुझे पुत्री की आयु एक्स माननी पड़ेगी ताकि मैं प्रॉपर इसको लिख पाऊं। अगर पुत्री की आयु वर्तमान में एक्स होगी तो पिता की आयु क्या रह जाएगी, 6x+5 ये रह जाएगी। उसके बाद में ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्री की आयु से 3 गुणे से 3 अधिक हो जाएगी, तो 7 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, वो 7 वर्ष बड़ी हो जाएगी। यानी 7 वर्ष के बाद पुत्री की आयु ये है और इससे पिता की आयु क्या है, 3 गुणे से 3 अधिक है। यानी कि इसमें अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उस पूरी वैल्यू में अगर 3 जोड़ दूं तो ये 7 वर्ष बाद पिता की आयु आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3x+21 और प्लस क्या है 3, तो 3x+ क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। ये आप पिता की आयु आ चुकी है कब, 7 वर्ष बाद में, और ये कब है, वर्तमान में। यानी इस आयु और इस आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 7। अगर मैं यहां 7 जोड़ दूं तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो ये 7 का अंतर है। अगर मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6x+, और ये किसके बराबर है, 3x+24 के। ये इधर जाएगा तो माइनस हो गया और ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो 6 चौका 24 और 5 29, यानी पिता की वर्तमान एज है वो मुझे क्या मिल जाती है, 29। ये तरीका तो रहेगा सैद्धांतिक, पर जरूरी नहीं है कि आप हर एक केस में सैद्धांतिक तरीका लगा पाओगे, क्योंकि लैंग्वेज को बहुत अलग अलग तरीके से उलझा के दिया जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठा के हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखो अब यहां से हमें पता लग चुका है कि आंसर कितना आया है, 29 आया है। यहां से हमेशा आपसे पूछा क्या गया है, पिता की वर्तमान आयु, यानी जो आंसर दिया गया है वो पिता की वर्तमान आयु का दिया गया, यानी ये जो सभी ऑप्शन होंगे वो पिता की क्या है, वर्तमान आयु के हैं। तो यहां से पहले एक बार मैं जो सही है वही उठा लेता हूं कि पिता की वर्तमान एज मान लिया जाए, मैंने यहां से मान ली 29। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे सभी चीज है वो सही होनी चाहिए, तो हमें ये बता रखा है कि वर्तमान में जो पिता है वो पुत्री के एज के 6 गुणे से 5 अधिक है, तो 5 अधिक ना होता तो 24 होता, और 24 6 गुना है, तो यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या है, 4, क्योंकि 4 होगी तभी इसका 6 गुना और 5 अधिक 29 हो पाएगा, ये होगा। अगर इसकी एज में ये मान लेता 41 मान लूं, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 का 6 गुना करोगे 36+5 41। अब ये चीज अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो यहां से हम आप ऐसे समझ सकते हो कि इस वैल्यू का ये 6+5 है, तो अगर ये आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप देखोगे कि ये वैल्यू है ये 6 गुणा करके 5 जोड़ा गया है, पहले इसमें से 5 माइनस कर दोगे क्या रह जाएगा, 36, यानी जो 36 था वो इसका 6 गुना था, इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से 29 है, ये इसके 6 गुणे से 5 ज्यादा था, तो पहले जो 5 ज्यादा है उसको कम करोगे 24, यानी 24 वैल्यू है वो इसका क्या है, 6 गुना है, ठीक है। इतनी तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो अगर पिता की एज मैंने 29 उठाई तो पुत्री की एज कितनी आ गई, 4। फिर हमने ये देखना होता है कि एक कंडीशन तो हमने अपने हिसाब से बना ली, अगर इस पर दूसरी कंडीशन भी ठीक बैठ जाती है
तो हमारा ये ऑप्शन है वो सही है। अब दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 11, और 7 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, 36, और ये कह रहा है 7 वर्ष के बाद 3 गुणे से 3 अधिक है। तो आप देखोगे 3 गुणा 33 प्लस 3 36, मतलब जो क्वेश्चन में बोला था वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, 3 गुणे से 3 अधिक है, यानी ये सही आ रहा है, और ये जो ऑप्शन आपने उठाया था वो सही है। क्लियर समझे इस बात को, समझ में आई क्या ये कहानी, दोबारा से एक बार देख लो इसको, अगर कोई नहीं समझ पाया तो। पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, हमेशा जो पूछा जाएगा वही ऑप्शन से उठाया जाएगा। अब हमने सिद्धांतिक तरीके से सोल्व किया था, हमें पता है 29 आंसर आएगा, नहीं पता होता तो मैं पहले 34 उठाता, फिर 31 उठाता, फिर 29 उठाता। तो मैंने 29 उठाया कि पिता की एज अगर 29 है वर्तमान में, तो पिता पुत्री से 6 गुणे से 5 अधिक है, इसका मतलब पुत्री की वर्तमान एज क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि 7 वर्ष बाद ये कंडीशन है, तो 7 वर्ष बाद मैं ये तो बता सकता हूं कि 7 वर्ष बाद ये 11 और ये 36, तो यहां से अगर मैंने देखा ये 3 गुणे से 3 अधिक है तो बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर आप ऑप्शन उठाते 34, अगर आप यहां से पिता की एज लिखते 34, तो ये देखना होता पुत्री की एज क्या लिखे कि उसका 6 गुणे से 5 अधिक हो जाए। तब देखा कि 5 अधिक होगा तो यानी 6 गुणा 29 होना चाहिए, 6 गुणा 29 हो ही नहीं पाएगा। तो इतना देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इससे नहीं बनेगा। फिर आप उठाओगे 31, 31 उठाओगे तो 6 गुणा कितना होना चाहिए, 26। अब 26 किसी भी वैल्यू का 6 गुणा नहीं होता, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर ये ऑप्शन उठाया और आंसर आपका आ गया। तो हमने आज जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो इसी तरीके से करने हैं, ऑप्शन उठाकर। मैं क्वेश्चन लिखूंगा साथ में ऑप्शन लिखूंगा, आप ऑप्शन उठा के इनको करोगे, 8-10 क्वेश्चन करने के बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे ऑप्शन उठाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र से 3 गुणे से 3 अधिक है, एक कंडीशन तो कब की दे रखी है, वर्तमान की। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद 2 गुणे से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी एक कंडीशन वर्तमान की दे रखी है, एक कंडीशन 3 वर्ष बाद की दे रखी है, और आपसे पूछ लिया गया है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, यानी जो आंसर दिया गया है वो पिता की 5 वर्ष पहले की आयु दी गई है, क्योंकि जो 33 आंसर दिया गया है तो ये आंसर आपको पूछा गया है 5 वर्ष पहले का, और कंडीशनें दे रखी है वर्तमान की और 3 वर्ष बाद की। तो अगर 5 वर्ष पहले वो 33 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 38, क्योंकि आंसर 5 वर्ष पहले का दिया था, तो वर्तमान में 38 का हो जाएगा, और 38 है वो पुत्र से क्या है, 3 गुणे से 3 अधिक है। तो यहां अगर वर्तमान में पिता की आयु ये है तो पुत्र की आयु क्या लिखूं कि उसके 3 गुणे से 3 अधिक हो जाए, तो मैं देखूंगा 3 अधिक का है तो 35 35, 3 गुणा नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा यहां पर गलत हो गया। अब मैंने ऑप्शन उठाया 38, अगर 38 वो 5 वर्ष पहले था तो अभी कितना हो जाएगा, अभी एज हो जाएगी इसकी 43, ये हो जाएगा वर्तमान में क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, तो 43 3 गुणा है तो क्या 40 3 गुणा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 28 उठाएंगे, अगर 28 5 वर्ष पहले था तो आज कितना हो जाएगा, 33, आज अगर 33 है तो 3 गुणे से 3 अधिक है तो ये कितना हो गया, 10, ठीक है। अब इसने दे रखा है 3 वर्ष बाद में, तो 3 वर्ष बाद पुत्र क्या हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, क्या ये 2 गुणे से 10 अधिक है, तो 13 दूना 26 और 10 36, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो 33 आपका, सॉरी 28 था जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्तमान में तो पिता 33 वर्ष का था, पर इसने जो आंसर पूछा है वो 5 वर्ष पहले का। अगर आपने वर्तमान की एज अगर सैद्धांतिक तरीके से निकाली भी है तो उसमें से 5 माइनस करके आंसर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले का। तो हमें जो आंसर पूछा गया वहां से ऑप्शन उठाते टाइम आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जबकि कंडीशनें दे रखी हैं आपको एज तब लेकर जानी पड़ेगी, समझे गए इस बात को। ये कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष कम है,
और 6 वर्ष पहले 4 गुने से 2 वर्ष कम थी। आज से 7 वर्ष बाद पिता की आयु बताओ, यानी 7 वर्ष बाद का आंसर आपको दिया गया है। अगर मैं 40 ऑप्शन उठाता हूं, अगर पिता 7 वर्ष के बाद 40 वर्ष का हो जाएगा तो आज कितने वर्ष का है? आज 33 वर्ष का है, और ये पुत्र की एज के 3 गुने से 5 कम है। इसका मतलब पुत्र की एज ऐसी लिखनी होगी जिसका 3 गुना क्या आना चाहिए, 38 आना चाहिए, तभी तो पुत्र की एज का 3 गुना 38 होगा, उससे 5 कम हो पाएगा। क्या कोई एज ऐसे लिख सकता हूं जिसका 3 गुना 38 हो जाए? नहीं लिख सकता, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 54 उठाऊंगा तो वर्तमान में ये कितना हो गया, 47, यानी ये पुत्र की एज के 3 गुने से कितना कम है, 5। तो पुत्र की एज का 3 गुना कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए, ठीक है। तो 52 किसी का 3 गुना होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 47 उठाता हूं, अगर आज 47 है तो वर्तमान, सॉरी 7 वर्ष बाद 47 है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 40। तो पुत्र की एज का 3 गुना क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तभी तो देखो, अगर पुत्र की एज 15 होगी तभी तो पुत्र की एज के 3 गुने से 5 वर्ष कम है, यानी पुत्र की एज का 3 गुना 45 और उससे 5 कम 40 आ गया। यह अधिक का केस नहीं था, कम का केस था, मैं पहले ही आपको बता चुका था। तो ये आ गई एज, वर्तमान में अगर ये ऑप्शन उठाते हैं तो ये ऐसे आएगा, पर हमें तो ये दूसरी कंडीशन चेक करनी है। तो इसमें कह रहा है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले पुत्र की एज क्या थी, 9, और इसकी एज क्या थी, 34। कंडीशन क्या है, 4 गुणे से 2 कम, तो इसका 4 गुना कितना हो गया, क्या 4 गुणे से 2 कम है, बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। आई बात समझ में क्या? हाँ जी, या डाउट है? दो चीजें होती है, देखो इधर एक बात कि यहां से मैं ये लिख दूं 6, और मैं आपसे ये बोलूं कि पिता की उम्र है वो 6 से 3 गुणे से 5 ज्यादा है, तब तो आप बोलोगे 3 गुना हो गया 18, 18 से 5 ज्यादा है तो क्या लिख दोगे, 23। वही मैं बोलूं कि 6 के 4 गुणे से 1 कम है तो 4 गुणे हो गया 24, 24 से 1 कम कितना हो गया, 23, ठीक है। अब इसको अगर वापस हमें पता करना हो तो हमें ये बोलेंगे ये 3 गुणे से 5 ज्यादा है, तो अगर 5 ज्यादा ना करें तो इसका 3 गुना कितना आएगा, 18 आएगा, तभी तो 3 गुणे 18 से 5 ज्यादा है। और अगर ये बोले कि इसके 4 गुणे से 1 कम है तो इसका 4 गुना क्या आएगा, 24 आएगा, तभी ये कम 23 हो पाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी। कमी और वृद्धि दोनों को ध्यान में रखना है, क्लियर है क्या? ये कह रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 39 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी, यानी जो आंसर बोला गया है वो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले का है। अगर 5 वर्ष पहले, अगर ऑप्शन उठाते हैं हम 22, 5 वर्ष पहले पुत्र 22 का था तो आज कितना हो गया, 27 वर्ष का हो गया, ठीक है। और पिता की एज कितनी दे रखी है, 39। अब इसमें हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है, वो कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, यानी इसका जन्म कब हुआ था, 27 वर्ष पहले, तो इसके जन्म के समय ये कितने वर्ष का रह गया, 27 वर्ष पहले जन्म हुआ था, 27 वर्ष पहले ये कितने वर्ष का था, 12 वर्ष। तो इसने बोला है कि इसके जन्म के समय जो इसकी उम्र है वो इसकी वर्तमान उम्र से कितनी अधिक होनी चाहिए, 5, पर ये तो बहुत कम हो गई, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। अगर हम इसका 5 वर्ष पहले 12 मानते हैं तो आज इसकी एज क्या हो गई, 17। अगर हमने देखा कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 12 थी, ये ऑप्शन हमने उठाया, तो आज कितनी हो गई, 17।
और पिता की एज तो 39 दे रखी है, तो इसका जन्म कब हुआ था 17 वर्ष पहले, तो 17 वर्ष पहले इसकी एज क्या हो गई, 22 हो गई। तो अब आप कंडीशन चेक करोगे कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र है वो तुम्हारी वर्तमान उम्र से क्या थी, 5। तो देखो इसकी वर्तमान उम्र से उसके जन्म के समय की एज 5 अधिक है, तो ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, 12 ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, ये कह रहा है कि 1 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के की 8 गुना थी, और वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के क्या है, बराबर। तो यहां से आप ये देखो कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद का अगर हम 7 ऑप्शन उठाते हैं, 5 वर्ष बाद अगर वो 7 का हो जाएगा तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 2 वर्ष का हो गया, और वर्तमान में उसने क्या कंडीशन दे रखी है कि उसकी आयु पुत्र की आयु के क्या है, वर्ग के बराबर है, यानी 2 का वर्ग तो क्या हो गया, 4। तो पिता की एज क्या हो गई, 4 हो गई। अब अगर दूसरी कंडीशन इस पे लगा भी लेते हैं तो 1 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष पहले पुत्र की एज क्या हो गई और इसकी एज क्या हो गई, क्या ये इसका 8 गुना हो पाएगा, इसने तो 8 गुना बोला है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 10 उठाते हैं, अगर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 10 हो जाएगी तो वर्तमान में कितनी होगी, 5। और वर्तमान में तो कह रहा है कि पुत्र की आयु से पिता की आयु क्या है, वर्ग के बराबर है, यानी इस बार थोड़ी सी ठीक एज आई है पिता की, 25 आ गई। पर एक कंडीशन और है कि 1 वर्ष पहले ये क्या हो गया और ये क्या, ये 8 गुना हुआ है, इसने तो बोल दिया 1 वर्ष पहले क्या थी, 8 गुना थी, तो ये भी गलत हो गया, ये तो 6 गुना है। 14 ऑप्शन उठाया, 5 वर्ष बाद पुत्र 14 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना हो गया, 9। वर्तमान में 9 है तो पिता क्या हो गया, 81। 1 वर्ष पहले ये 8 है और ये 80, ये तो कितना हो गया, 10 गुना। मतलब आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। जब मैं यहां 12 लिखता हूं या 12 5 वर्ष पहले थी तो वर्तमान में कितनी हो गई, तो ये कितनी हो गई, और एक कम हो जाएगा तो ये, और ये क्या 6 का 48 8 गुना है, 8 गुना इसने बताया था, 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब हमने ऑप्शन उठाकर जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है उसको अप्लाई करके देखना है, और जो ऑप्शन उसको ठीक कर देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पर स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो जो आंसर दिया गया है, जो ये एज लिख रखी है, ये पुत्र की 5 वर्ष के बाद की लिखी गई है, क्योंकि आंसर ये लिखा गया है। तो 5 वर्ष बाद अगर ये ऑप्शन उठाओगे तो वर्तमान में आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी जो स्टार्टिंग में पहले टाइप के क्वेश्चन रेशियो बेस सीखे थे उसी का ही रिवर्स क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है। ये कह रहा है ए व बी की आयु का गुणनफल कितना है, 240। फिर कह रहा है यदि बी की आयु का 2 गुना ए की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो आज से 8 वर्ष बाद बी की आयु बताओ, तो आज से 8 वर्ष बाद अगर बी 16 वर्ष का हुआ तो आज कितना हो जाएगा, आज 8 वर्ष का हो जाएगा। और आगे ये यहां इसने बोल रखा है कि बी की आयु का 2 गुना ए की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु का 2 गुना क्या हो गया, 16। 16 ए से 4 अधिक है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 12। यहां ये नहीं कह रहा कि बी की आयु के 2 गुणे से ए 4 अधिक है, ये कह रहा है कि बी की आयु का 2 गुना है वो ए की आयु से क्या है, 4 अधिक, यानी बी की आयु का 2 गुना होगा 16 और वो ए से 4 अधिक है, तो मतलब ए क्या हो गया, 12। तो क्या इन दोनों का गुणनफल 240 आएगा, क्योंकि इसने बोल रखा है दोनों की एज का गुणनफल कितना होगा, 240, पर ये तो 96 आएगा, कैंसिल हो गया। अगर मैं 22 ऑप्शन उठाता हूं, अगर 22 ऑप्शन उठाता हूं 8 वर्ष बाद बी 22 का था तो आज कितना हो जाएगा, 14 वर्ष का हो जाएगा, तो इसका 2 गुना कितना हो गया, 28। इसका 2 गुणा ए से 4 अधिक है तो ये कितना रह जाएगा, 24। क्या 24 की गुणा 14 से करेंगे 240 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4 चौका 16 इकाई का अंक ही 6 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत। अगर बी 8 वर्ष बाद 20 का था तो आज कितना हो जाएगा, 12।
अगर ये 12 है तो इसका दो गुना होता है 24, 24 से ये चार कम है तो क्या हो गया 20, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, और ये आपका आंसर सही है। क्लियर, समझ तो आ रहा है क्या? चलो इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से समझ लो, अगले क्वेश्चन में यूज होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन उठा सकते हैं, अगले क्वेश्चन में हम ऑप्शन नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जोड़ का केस है ऑप्शन उठ जाएगा, पर अंतर का केस आएगा वहां आपका ऑप्शन नहीं उठ पाएगा। तो तरीके आने चाहिए हमें, दो तीन तरीके दोनों तीनों देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:2 और उनकी आयु का गुणनफल है 54, तो दोनों की आयु का जोड़ 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? अगर दोनों की आयु का जोड़ 5 वर्ष बाद मैं 15 मानता हूं तो आज वर्तमान में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद में 15 आया है तो दोनों 5 5 वर्ष बढ़ गए, तो दोनों का जोड़ कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, यानी वर्तमान में कितना रह गया? सिर्फ 5। अगर 5 को मैं ए व बी के रेशियो में बांटता हूं 3:2 में, तो 5 को 3:2 में बांटूंगा तो क्या आ जाएगा? 3:2 ही आ जाएगा, 5 वर्ष का, तो ये 3 का होगा, ये 2 का होगा, तो क्या इनका गुणनफल 54 आ पाएगा? यानी ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? गलत। फिर मैं 20 मानता हूं, 20 मानूंगा तो 5 वर्ष बाद 20 है तो आज कितना हो जाएगा? 10। अगर 10 को मैं 3:2 में बांटूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 6, और ये क्या आ जाएगा? 4। तो 6 4 की मल्टीप्लाई तो 24 होगी, 54 चाहिए, ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर मैंने 25 माना तो आज कितना हो जाएगा? 15। तो 5:1 की वैल्यू है तो 1:1 की वैल्यू यहां से 3 आएगी, तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? 6। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 54 आ गए। ठीक है, एक तरीका तो था ऑप्शन उठाने का, यह ऑप्शन उठाने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये 3 ऑप्शन लिखे थे। आप जनरली ये समझ भी सकते हो, इससे मैं सीधा सीधा ये भी तो समझ सकता हूं, क्योंकि हमने अनुपात में सीखा हुआ है कि अनुपात जो है ए व बी का 3:2, अनुपात क्या होता है? सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, यानी एज इनकी या तो 3:2 होगी या इनकी एज इसके मल्टीपल में होगी, यानी इस तरीके से बढ़ेगी। अगर ये 3 है तो ये 2, इनकी गुना तो क्या आ गई? 6। अगर ये 6 होगी तो ये क्या हो जाएगी? 4। इनकी मल्टीप्लाई तो 24 आ गई। अगर ये 3 गुना 9 होगी तो ये क्या हो जाएगी? 6। इनकी मल्टीप्लाई क्या आ गई? 54 आ गई। ठीक है, मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि इनकी एज क्या है? 9 व 6, और 9 व 6 का जोड़ कितना हो गया? 15। यानी वर्तमान में 15 है तो 5 वर्ष बाद 10 जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि अंतर का केस आएगा वहां ऑप्शन आप नहीं उठा पाओगे। सैद्धांतिक तरीका भी आप इसमें कर सकते थे इस तरीके से कि ए व बी का रेशियो दे रखा है 3:2, तो आप मान लो ए की एज है 3x, बी की एज है 2x, अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 54। तो 3 और 2 6 से ये कट जाएगा, क्या आ गया? 9। और x की मल्टीप्लाई क्या आ गई? एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो ये 3 3 9 है, ये 3 2 6 है। ऐसे भी आप कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाता, पर अंतर का केस नहीं हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं इस टॉपिक का। हाँ जी, कोई डाउट है क्या इसमें? समझ आ गया सबको? देखो यहाँ से वही क्वेश्चन है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2 और 5 और गुणनफल है 160, तो आयु का अंतर बताना है। एक तरीका तो यह है कि मैं ए व बी को अगर 2 और 5 मानता हूं तो गुणनफल क्या आएगा? अगर मैं इसको 4 करता हूं तो ये 10 हो जाएगा, ये तो 40 होगा। अगर 3 गुना करता हूं तो 6 और 15, ये भी नहीं होगा। 4 गुना करता हूं तो 8 और 20, और इनका गुणनफल क्या आ गया? 160। यानी एज इनकी क्या है? 8 और 20 है, क्योंकि ये दोनों सेम मल्टीपल में बढ़ेंगे। अगर इसका 4 गुना हुआ है तो इसका भी 4 गुना होगा। 120 है तो एज का अंतर कितना आ गया? 12। 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। अगर आप ऑप्शन बी उठाते 2 और 5, अगर आप अंतर का अनुपात कितना है? 3। अगर 3 की वैल्यू 6 उठाते तो 1:1 की वैल्यू क्या आती?
दो आती, उस केस में तो ये चार और ये 10 होता। अगर यहाँ 9 उठाते तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आती? 3। उस केस में ये 6 और ये 15 होता। और जब 12 ऑप्शन उठाते तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आती? 4। तब ये क्या आता? 8 और ये 20। तो वही तो मैंने यहाँ किया था, पहले 4 देखा, फिर 6 देखा, फिर 8 देखा। तो इसलिए इन क्वेश्चनों में मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तीन ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तीनों एक एक करके हमने डिस्कस कर लिए हैं।